हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर तक जितना भी प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ा, हमने देखा हमारे पास जो मेल गैमेट था प्लांट का, पोलन ग्रेन्स, वो भी प्रोड्यूस हो गए थे। और कल के लेक्चर में हमने देखा जो हमारे पास फीमेल गैमेट है, एग सेल जो प्रोड्यूस हुआ था ओव्यूल में, वो भी बन चुका था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे उनका आगे का फेट क्या होगा फर्दर। ठीक है, देखो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिकैप करो तो वहां पे क्या होता है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, तो जब वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करते हैं कोई मेल और फीमेल, तो उससे जो मेल गैमेट्स है वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसके, फीमेल के पार्ट में, और फिर फर्दर जो है उसमें फ्यूजन होती थी, है ना। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, फीमेल गैमेट में। ठीक है, फीमेल पार्ट जो होता है फ्लावर में उसमें ट्रांसफर होंगे। तो वो जो ट्रांसफर होगी किसकी, पोलन ग्रेन्स की जो ट्रांसफर होती है, ठीक है, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में ही। तो पॉलिनेशन क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ, किसकी ट्रांसफर होगी, पोलन ग्रेन्स की, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, कहां से, पोलन ग्रेन्स कहां पे प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में, है ना, जो स्टेमन में एंथर होता है उसमें प्रोड्यूस होते हैं, फ्रॉम एंथर टू द, अब देखो जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस होते हैं एंथर में, वो एंथर में प्रोड्यूस होंगे, वो वहां से ट्रांसफर होंगे फीमेल के पार्ट में, है ना, फीमेल पार्ट में। तो आप फीमेल फ्लॉर का याद करो, जो मम्मी ने पिछली पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या होता है पार्ट, इसमें स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है और ओवरी होती है ना। तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था, मेन जो स्टिग्मा होता है ये पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है, स्टिग्मा क्या करता है, पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। तो ये पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर कहाँ पे होगी, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लॉर, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लॉवर। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर होगी एंथर से फ्लॉर के स्टिग्मा तक, वो जो प्रोसेस होता है, वो जो ट्रांसफर होती है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। देखो इस तरह समझो, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक प्लांट है, ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये हमारे पास है दूसरा प्लांट। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा प्लांट, ये दो डिफरेंट प्लांट्स है हमारे पास, These are two different plants, right? Suppose करो यहाँ पे हमारे पास जो है ये मेल फ्लावर है, यहाँ पे हमारे पास मेल फ्लावर है, तो मेल फ्लावर है तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एंथर होगा, है ना, एंथर होगा, स्टेमन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल सुपोज कर लो ये यहाँ, ये जो प्लांट है इसमें हमारे पास जो है फीमेल पार्ट है, ठीक है, फीमेल पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, गाइनोशियम होगी इस तरह से, ठीक है, ये होगी गाइनोशियम। तो ये जो है ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेल प्लांट है, ये है फीमेल प्लांट, जिसमें हमारे पास ये प्लांट है फर्स्ट प्लांट, जिसमें हमारे पास मेल फ्लावर्स है, स्टेमन है या एंड्रोशियम है, ये दूसरा प्लांट है, ये इसमें हमारे पास फीमेल फ्लावर्स है, जिसमें हमारे पास स्टिग्मा है, स्टाइल और ओवरी, मतलब गाइनोशियम पिस्टिल जो है। तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे, है ना, एंथर में प्रोड्यूस होंगे। तो हमने क्या देखा कि पोलन ग्रेन्स जो है एंथर से ट्रांसफर होंगे कहाँ पे, स्टिग्मा में। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुए और यहाँ पे आके ये ट्रांसफर होंगे यहाँ पे स्टिग्मा में, यहाँ पे आके ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये भी पॉलिनेशन हुई एक तरह से, है ना। यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्लांट्स थे, डिफरेंट प्लांट्स थे दोनों, एक में हमारे पास मेल फ्लावर था, एक में था फीमेल फ्लावर, तो जो है दोनों ट्रांसफर, पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हो गई। ठीक है, इस तरह से भी प्रोसेस हो सकता है। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि दो अलग अलग प्लांट्स थे, अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, आप जानते हो हमारे पास बाइसेक्सुअल प्लांट्स भी होते हैं कि जिनमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह से भी तो प्लांट हो सकता है ना, ये प्लांट है जिसमें हमारे पास ये जो फ्लावर है इसी में हमारे पास मेल पार्ट भी है, स्टेमन भी है, और इसी में हमारे पास जो है पिस्टिल भी है, ऐसे भी तो हो सकता है, है ना। ये जो प्लांट है हमारे पास इट इज द बाइसेक्सुअल प्लांट, जब दोनों सेक्सेस इसमें है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है, तो ये क्या होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, है ना, इस तरह से भी हो सकता है। तो यहां से भी तो ट्रांसफर हो सकता है ना पोलन ग्रेन्स की, इस एंथर से यहाँ पे एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, तो यहाँ पे भी तो ट्रांसफर हो सकती है ना, इस तरह से भी हो सकता है। तो देखो हमने देखा ये पॉलिनेशन का प्रोसेस कितनी तरह से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही प्लांट में दोनों जो फ्लावर है वो प्रेजेंट हो, और या फिर अलग अलग फ्लावर्स प्रेजेंट हो, तो हर केस में जो पॉलिनेशन है वो होगी। ठीक है, लेकिन इन पैटर्न के बेसिस पे जो पॉलिनेशन है उसकी हमारे पास दो टाइप्स है, कितनी टाइप्स है, दो टाइप्स है। ठीक है, कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन, फर्स्ट वन इज द
सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है हमारे पास इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, कितनी तरह की पॉलिनेशन है हमारे पास? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो तरह की टाइप्स है। थोड़ा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि पॉलिनेशन तो ट्रांसफर होगी पोलन ग्रेन से, है ना, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ मतलब कि अगर हम अपने आप को कंसीडर करें तो सेल्फ क्या मतलब होता है, मतलब हम माय सेल्फ, है ना, तो मतलब कि अपने ही प्लांट में। इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन का, कि जो प्लांट पार्ट है वो अपने ही फ्लॉर्स के में जो है ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन की। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, कि जो प्लांट है वो अपने ही फ्लॉर्स में, मतलब वो फ्लावर जो उसी में प्रेजेंट होंगे उन्हीं के बीच में जो पोलन ग्रेन है उनको ट्रांसफर करेगा, तो वो क्या हो गई हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन है तो मतलब इस केस को यहाँ पे आप देखो, ये जो प्लांट है ये हमने मेल प्लांट है, यहाँ पे मेल फ्लॉवर है, यहाँ पे हमारे पास फीमेल फ्लॉवर है। ये वाला प्लांट आप कंसिडर करो, यहाँ पे हमारे पास दोनों है, है ना, देखो इसमें सिर्फ मेल है और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि जो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि वो प्लांट जो है अपने ही प्लांट पार्ट पे फ्लॉवर पे जो है वो स्टेमन की ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन्स की, सॉरी। लेकिन यहाँ पे आप देखो ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, यहाँ पे एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, एक ही प्लांट के फ्लॉवर में है, तो यहाँ पे जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, क्या होगा कि ये दो हमने देखा, एक फ्लॉवर देखा हमने, एक फ्लॉवर है जिसमें हमारे पास स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, है ना। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसी फ्लॉवर पे हमारे पास इस तरह से हो, यहाँ पे हमारे पास मेल फ्लॉवर हो और यहाँ पे हमारे पास फीमेल फ्लॉवर हो। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये हमारे पास मेल फ्लॉवर हो, ये फीमेल फ्लॉवर हो, मतलब यहाँ पे हमारे पास एंथर हो और यहाँ पे हमारे पास पिस्टिल हो, इस तरह से। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि उस प्लांट को अपने ही फ्लॉवर्स में जो है ट्रांसफर करनी है ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इसी प्लांट में हमारे पास मेल फ्लॉवर भी हो और फीमेल फ्लॉवर भी हो अलग अलग, या फिर एक ही फ्लॉवर हो जो बाइसेक्सुअल हो, मतलब उसी एक ही फ्लॉवर के अंदर जो है मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे भी ट्रांसफर हो जाएगी इस तरह से, तो ये भी एक ही प्लांट में है, तो यहाँ पे भी जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगी, मतलब इसी प्लांट पार्ट का जो स्टिग्मा है स्टेमन जो है ये ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन्स को और अपने ही फीमेल फ्लॉवर पे, तो ये क्या हो गया हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन। क्या हो गई सेल्फ पॉलिनेशन, देखो ये एक ही प्लांट है, ठीक है, एक ही प्लांट है, इसमें इसने अपने ही एक ही फ्लॉवर में पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर कर दी है, और इसमें भी अपने ही प्लांट में अपने ही फ्लॉवर्स में जो दो डिफरेंट फ्लॉवर्स इसी एक ही प्लांट पे बॉर्न हुए हैं तो उनपे पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर की है, तो ये हमारे पास होल समय क्या आ गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ, देखो इस प्लांट पार्ट को कंसीडर करो तो यहाँ पे हमारे पास एक ही फ्लॉवर है, सेम फ्लॉवर पे है ना, इसी एक ही फ्लॉवर के अंदर हमारे पास जो है एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो मतलब स्टिग्मा ऑफ इधर सेम फ्लॉवर, इस पार्ट को आप कंसीडर करो, इस प्लांट में हमारे पास ये एक फ्लॉवर है जिसमें हमारे पास एंथर भी है और पिस्टिल भी है, तो एक ही फ्लॉवर में हमने देखा पॉलिनेशन हो रही है, तो आप इधर द सेम फ्लॉवर और फिर आप ये दूसरा केस कंसीडर करो, यहाँ पे क्या हो रहा है इसी प्लांट पे एक फ्लॉवर यहाँ पे प्रेजेंट है, एक दूसरा यहाँ पे प्रेजेंट है ना, दो डिफरेंट फ्लॉवर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रांसफर हो रही है वो एक ही प्लांट पे हो रही है, इसी प्लांट पे हो रही है, ऐसा तो नहीं ना ये किसी और प्लांट पार्ट पे ट्रांसफर कर रहा है। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, कि यहाँ पे ट्रांसफर जो है एक ही प्लांट पे हो रही है, ठीक है, होलसम ही एक ही प्लांट है, लेकिन जो डिफरेंट फ्लॉवर्स हैं, ठीक है, ये एक फ्लॉवर है ये दूसरा फ्लॉवर है, लेकिन अल्टीमेटली जो ट्रांसफर है वो एक ही फ्लॉवर पे हो रही है, एक ही प्लांट पे हो रही है, ठीक है, तो ये भी पॉलिनेशन है ऑफ इधर सेम फ्लॉवर और डिफरेंट फ्लॉवर, ये जो हमने सेकेंड केस देखा ये वाला केस देखा, देखो ये फ्लॉवर है ये अलग दूसरा फ्लॉवर है, डिफरेंट फ्लॉवर है, डिफरेंट फ्लॉवर्स, लेकिन ये दोनों एक ही प्लांट के पार्ट है ना, बॉर्न ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या हुई, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ इधर सेम फ्लॉवर, ये सेम फ्लॉवर ये वाला केस, ठीक है, आप इधर द सेम फ्लॉवर और डिफरेंट फ्लॉवर्स बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लॉवर्स ये वाला केस, ये एक फ्लॉवर ये दो फ्लॉवर, ये दो डिफरेंट फ्लॉवर्स हो गए, लेकिन ये दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, इसका ये मीनिंग हुआ। तो फिर से देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, कि सेल्फ पॉलिनेशन में जो एक प्लांट है वो अपने ही फ्लॉवर्स में जो है जो पॉलिनेशन करता है, अपने ही जो प्लांट है वो अपने ही फ्लॉवर्स में
पॉलिनेशन करेगा, ट्रांसफर करेगा पोलन ग्रेन्स की। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो प्लांट पार्ट है सेम फ्लावर के में ही पॉलिनेशन करे, मतलब कि एक फ्लावर है उसी में एंथर भी हो स्टिग्मा भी हो तो उन्हीं में पॉलिनेशन करेगा ऑफ इधर द सेम फ्लावर, या फिर उसी प्लांट में अगर दो डिफरेंट फ्लावर्स बने हैं, उसी प्लांट पे दो डिफरेंट फ्लावर्स है अगर, तो उनके बीच में अगर ट्रांसफर करेगा वो भी एक तरह से सेल्फ पॉलिनेशन ही है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो ये प्लांट ही है जो अपने ही जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहा है अपने ही प्लांट पार्ट में, ठीक है, अपने ही फ्लावर में, तो ये किसका है केस, सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। अब देखो ऐसी पॉलिनेशन जिसमें ये जो मतलब ये जो प्लांट पार्ट है देखो ये एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर के विदिन जो है ट्रांसफर कर रहा है ना, ये एक फ्लावर है हमारे पास, इसी में हमारे पास स्टेमन है और यहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसी में, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर। तो अगर ऐसी पॉलिनेशन होगी इसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी, क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी, ठीक है, मतलब कि अगर सेम फ्लावर पे ही जो ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, मतलब ये एंथर और स्टिग्मा सेम ही फ्लावर पे प्रेजेंट हो तो उस केस में हम उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। लेकिन अगर ऐसा हो कि एंथर और स्टिग्मा जो है डिफरेंट फ्लावर्स पे हो, एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट फ्लावर्स में हो लेकिन वो दोनों एक ही प्लांट पे हो, ठीक है, ये एक प्लांट है इस पे देखो एंथर इस पे ये और स्टेमन इस पे है लेकिन दोनों एक ही प्लांट पे है, तो इस केस में हम इसको बोलते हैं जिटनोगैमी, क्या बोलते हैं, जिटनोगैमी, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन की हमारे पास दो टाइप्स है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी। ऑटोगैमी क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर हो रही है स्टिग्मा में वो एक ही फ्लावर में हो रही है, ठीक है, एक ही फ्लावर में हो रही है, विद इन द सेम फ्लावर हो रही है। लेकिन जिटनोगैमी में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं कहां पे, दूसरे फ्लावर पे, अदर फ्लावर, बट दे आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट पे ये दोनों फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे जिटनोगैमी, क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखा हमने सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है, ये तो हमने देख लिया सेल्फ पॉलिनेशन का केस। अब क्रॉस पॉलिनेशन का क्या मतलब हुआ, देखो सेल्फ मीन्स की विद इन वन सेल्फ है ना, कि एक ही प्लांट ने अपने ही फ्लावर्स में जो है ट्रांसफर करी थी। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो एंथर और जो स्टिग्मा होते हैं वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है, मतलब एक प्लांट से एंथर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, फ्रॉम सिंपल वर्ड्स में एंथर ऑफ वन प्लांट, एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो ये दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ये वाला केस आप कंसीडर करो, यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लांट है ये दूसरा प्लांट है, डिफरेंट प्लांट्स हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ मेल फ्लावर है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फीमेल फ्लावर है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिंपल एक प्लांट का केस हमने कंसीडर किया है, जहाँ पे जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, ये डिफरेंट प्लांट्स है और यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट में, तो वो हो गई हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन की एंथर ऑफ द ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात की हमने देखा ये डिफरेंट प्लांट्स में हो रही है ना, क्रॉस पॉलिनेशन जो है डिफरेंट प्लांट्स में होती है, लेकिन जो दो प्लांट्स के बीच में जो ट्रांसफर हो रही है वो चाहिए कि उनकी जो स्पीशीज है वो सेम हो। क्या बोला मैंने कि जो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में जो ट्रांसफर होती है तो उनमें चाहिए दे हैव सेम स्पीशीज, उनकी जो स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए तभी जो पॉलिनेशन है वो सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द एंथर स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर बट दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, ओके। तो ये था पूरा सेल्फ पॉलिनेशन का और क्रॉस पॉलिनेशन का। तो हमने क्या देखा, पॉलिनेशन क्या है, पोलन ग्रेन्स में ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। फिर ऐसा होगी अगर जो पोलन ग्रेन्स की ट्रांसफर है वो सिर्फ एक ही प्लांट में हो, सिर्फ एक ही प्लांट में हो, उसी में पोलन ग्रेन्स में एंथर से स्टिग्मा पे आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और इसमें भी अगर ऐसा होगी विद इन द सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर हो जाए, एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे ऑटोगैमी। और अगर
जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो ट्रांसफर, लेकिन वो दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो फ्लावर्स, तो उसको हम बोलेंगे जिप्नोगैमी। क्या बोलेंगे? जिप्नोगैमी। और अगर ऐसा हो कि पोलन ग्रेन से ट्रांसफर हो एंथर के एक प्लांट से, मतलब एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और इसको हम एलोगैमी भी बोलते हैं या जीनोगैमी भी बोलते हैं। किसको? क्रॉस पॉलिनेशन को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलोगैमी और जीनोगैमी। इसको हम एलोगैमी या जीनोगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने किसका? पॉलिनेशन का। अब देखो आप जो सेल्फ पॉलिनेशन है इसमें तो हो गया कि मतलब अपने आप ही जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे फ्लावर्स में, लेकिन कभी कभी फॉर एग्जाम्पल ये क्रॉस पॉलिनेशन का केस कंसिडर करो, यहाँ पे एंथर एक प्लांट पे है और ये जो स्टिग्मा है ये दूसरे प्लांट पे है, तो इनको चाहिए ना कि कोई चीज इनके पास हो, कोई ऐसी एजेंसी हो, एजेंट हो जो इन पोलन ग्रेन्स को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करते है ना। तो इसी बेसिस पे जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसमें हमारे पास कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व होते हैं, कुछ एजेंट्स हमें रिक्वायर होते हैं ताकि जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर सके स्टिग्मा में। और ये जो एजेंसीज है बड़ी तरह के, जैसे बायोटिक एबायोटिक, जैसे विंड जब हवा चलती है उसके थ्रू भी पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, या इंसेक्ट्स के थ्रू, या बर्ड्स जब मतलब नेक्टर वगैरह फीड करने के लिए आते हैं, तो ये होल सब में मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से क्यूमुलेट करके हमारी जो है क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये कैसे होगा और किस तरह से होती है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। थैंक यू।